और एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की एप्लीकेशन डालती है उन वाले केसेस में एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइबड पीरियड इज टू बी रेकंड अ माइनर क्या क्या डिसेबिलिटी है अ माइनर है एन इनसेन है और एन इडियट है वो पर्सन इंसट्यूट कर सकता है सूट और एप्लीकेशन उसी पीरियड में आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड मतलब अगर एक पर्सन माइनर है इनसेन है या इडियट है और उसको एक फाइल करना है क्या चीज सूट और एक एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ठीक है वो उसी टाइम में आप, आ, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जब उसकी डिसेबिलिटी हैज सीज मतलब वो ओवर हो चुकी है एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड थर्ड कॉलम में आपके शेड्यूल में वो टाइम दिया होता है वो टाइम उसे मिलेगा जब वो अपनी डिसेबिलिटी उसकी सीज हो जाएगी मतलब वो माइनर नहीं रहेगा वो इंसेन नहीं रहेगा वो इडियट नहीं रहेगा नेक्स्ट क्या कहता है कि वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकेंड अफेक्टेड बाई टू सच डिसेबिलिटीज और बिफोर कि उसकी डिसेबिलिटी सीज होती वो दूसरी डिसेबिलिटी से प्रभावित हो गया उस केस में भी अगर दो डिसेबिलिटी हो जाती है किसी को तो उसको वही टाइम मिलेगा अगर उसको टाइम मिलता है जो कि शेड्यूल में लिखा हुआ है जबकि जब उसके वो जो दोनों डिसेबिलिटीज़ हैं वो खत्म हो जाए पहले वाले में क्या था कि सिर्फ एक ही बारी हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे जैसे ही वो खत्म वैसे ही उसका टाइम पीरियड शुरू अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन को एक डिसेबिलिटी थी मान लो माइनर है वो सत्रह साल का है अभी माइनर ही था अभी उसकी डिसेबिलिटी खत्म भी नहीं होनी थी हुई थी कि सत्रह साल का ही वो इंसेन हो गया तो जब उसकी दूसरी डिसेबिलिटी जो कि इंसेन है वो खत्म होएगी उसके बाद उसको टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड में वो अपना केस फाइल कर सकता है जो कि आपके शेड्यूल में लिखा हुआ है ठीक है अब ये थर्ड वाला रूल क्या कहता है कि डिसेबिलिटी अप टू डेथ ऑफ दैट पर्सन अगर अब वो जो पर्सन था जिसको कोई डिसेबिलिटी थी उसकी डेथ तक कंटिन्यू होते वो पर्सन मर जाता है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको उतना ही टाइम मिलेगा क्या करने के लिए सूट डालने के लिए या एप्लीकेशन डालने के लिए जो उस पर्सन को मिलता अगर वो पर्सन नहीं मरा होता तो एज वुड बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड ठीक है मतलब अगर ए है ए के पास अभी तीन साल का टाइम था तो ए की डेथ हो गई अब ए को जो टाइम मिलता वो बी को टाइम मिलेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्थ अब क्या कहता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था एट द द द डेट ऑफ ऑफ डेथ पर्सन हुम ही अफेक्टेड बाय सच डिसेबिलिटी तो रूल वन एंड टू कंटिन्यू करेंगे अब मान लो ए की जब डेथ हुई बी जो था माइनर था ठीक है अब उसके पास भी एक डिसेबिलिटी होगी जो हमने ऊपर पढ़ी Six one में जो लिखा हुआ है कि उसके पास वो एक डिसेबिलिटी है तो जब तक वो डिसेबिलिटी उसकी खत्म नहीं होती जो बी जो है वो मेजर नहीं होता तब तक उसका भी टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा और वो वेट कर सकता है जब तक वो मेजर नहीं होता मेजर होने के बाद वो क्या करेगा वो सूट फाइल कर सकता है और एप्लीकेशन भी डाल सकता है ठीक है फिफ्थ क्या कहता है वेर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर दिस बट विद इन दीरियड अलाउड हिम अंडर दिसकडरबल है अगर एक जो पर्सन था उसकी डिसबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई ठीक है तो क्या हुआ टाइम पीरियड शुरू हो गया मान लो तीन साल का था अब उसका जो है वो तीन साल उसका शुरू हो चुका था वो एक्टिव था लेकिन वो छह महीने बाद ही मर जाता है तो अभी उसके पास कितना टाइम रह गया उसके पास टू पॉइंट फाइव ईयरस रहते थे तो ये क्या कहता है कि अगर एक बार डिसेबिलिटी ओवर होने के बाद टाइम पीरियड शुरू हो चुका था तो उसकी डेथ होने के बाद कोई पर्सन मर जाता है जो कि डिसेबिलिटी में था तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वही टाइम मिलेगा फाइल करने के लिए सूट और एप्लीकेशन जितना उसको मिलता अगर वो पर्सन

फिर क्या कहता है कि तो तो वो जो है सबके अगेंस्ट लगेगा अगर मान लो एक परसन, दो परसन, तीन चार चार ये चार लोग हैं इस ये पर्सन डिसेबिलिटी के अंदर है सेकेंड पर्सन ठीक है ये क्या कहता है कि अगर डिस्चार्ज जो है वो उस के ना होने पर भी मिल सकता है मतलब किसी चीज से केस से छुटकारा या कोई काम अगर उसकी प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता वो है या नहीं है तो तो आपका जो टाइम पीरियड है वो चारों के अगेंस्ट रन करता रहेगा ये नहीं होगा ये नहीं कह सकेंगे कि भाई सेकंड पर्सन है नहीं हमारा तो हमारा केस अभी रोक दो क्योंकि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन बट बट दिया हुआ वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन जहां पर सेकेंड पर्सन के होने और ना होने का बहुत फर्क पड़ता है उन केसेस में टाइम किसी के अगेंस्ट भी नहीं रन करेगा टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम देम वन ऑफ ऑफ बिकम्स कैपेबल गिविंग सच डिस्चार्ज। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन पर आपका केस डिपेंड करता है उस केसेस में टाइम किसी के अगेंस्ट भी रन नहीं करेगा और अगर उस पर्सन के होने ना होने से आपके केस में अभी फर्क नहीं पड़ रहा है तो टाइम जो है वो सबके अगेंस्ट रन करता रहेगा ठीक है दिस सेक्शन अप्लाइज टू अब ये जो एक्सप्लेशन होते हैं ये बेसिकली एक तरह से आपको ये कहते हैं कि ऊपर वाला जो सेक्शन है उनका क्या मतलब है इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है यही बेसिकली इसका निचोड़ है ठीक है एक्सप्लेनेशन वन क्या कहती है कि दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी टाइप की लाइबिलिटी होती है अगर उसे डिस्चार्ज होना है छुटकारा लेना है तो हर टाइप की लाइबिलिटी पे ये सेक्शन लगता है और ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के से की लाइबिलिटी से भी लिंक करता है एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है फॉर द पर्पिस ऑफ दिस सेक्शन द मैनेजर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो मैनेजर होता है जो मिताक्षरा लॉ से गवर्न करता है वो कैपेबल है गिविंग डिस्चार्ज के विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स ओनली इन मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर वो मिताक्षरा फैमिली है मिताक्षरा लॉ से एफिलेटेड है तो उस टाइम पर मैनेजर अपनी तरफ से सब फैमिली मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए डिस्चार्ज दे सकता है ठीक है यहाँ पर हमने एक बात जो सीखी वो यही है कि एक पर्सन को डिस्चार्ज और नॉन डिस्चार्ज की बात हो रही है उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग से बात है कि वहां का मैनेजर करता आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है दूसरे फैमिली से. अब सेक्शन एट क्या कहता है नथिंग इन सेक्शन सिक्स और इन सेक्शन सेवन अप्लाइज टू सूट्स राइट्स ऑफ इन प्रियम्शन और शेल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन थ्री इयर्स फ्रॉम दिलिटी और ये जो सेक्शन एट है ना ये एक तरह से कंडीशन लगी हुई है आपके सेक्शन सिक्स और सेवन पे से जब तक उसकी डिसेबिलिटी नहीं खत्म होती तब तक चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा सेक्शन सेवन भी क्या कहता है अगर वो पर्सन एक डिसेबिलिटी में है तब भी उसके अगेंस्ट टाइम रुका ही रहेगा लेकिन सेक्शन एट कहता है कि जो डिसेबिलिटी है अगर इन वाले केसेस में चलती रही नहीं रहती तीन साल से ऊपर जो है आपकी डिसेबिलिटी जब खत्म हो जाती है उसके ऊपर टाइम पीरियड नहीं बढ़ सकता यहाँ पर टाइम पीरियड आपका रुक जाएगा फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन अब हम कुछ ना एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है अब कहता है कि एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जब माइनर जो था 16 साल का था ठीक है और उसके पास मेजॉरिटी मेजर major होने के बाद वो केस फाइल कर सकता था तो आपका जो सेक्शन एट है वो क्या कहता है कि जब आपका डिसेबिलिटी जो है वो ओवर हो जाती है तो उसके बाद आपके पास तीन साल रहते हैं ठीक है लेकिन जो आर्टिकल सिक्सटी फाइव कॉलम थ्री था वो कहता है कि इस पर्सन के पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद बारह साल का टाइम था मतलब वो पर्सन सोलह साल का था प्लस ट्वेल्व ईयरस अगर मैं यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ है तब से देखूँ तो इसका मतलब जब तक वो अट्ठाईस साल का होता है तब तक वो केस फाइल कर सकता है लेकिन अब अभी देखा हमने कि सेक्शन एट क्या कहता है कि मैक्सिमम पीरियड जो एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम पीरियड जो एक्सटेंड हो सकता है वो आपका कितना है थ्री ईयर्स तो इस वाले केसेस में ये ये कहता है कि अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और आपका कॉलम आपका आर्टिकल जो लिमिटेशन एक्ट में लास्ट में दिए होते हैं वो अगर कोई टाइम पीरियड दे रहे हैं जो कि बड़ा है जो सेक्शन एट जो है वो कर रहा है रोक रहा है तो जो बड़ा टाइम पीरियड है वो उसको मिल जाएगा ठीक है ना इसमें क्या हुआ वो सोलह साल का था अठारह साल का होने के बाद वो मेजर हो गया उसका वहीं से डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है वो केस कर सकता था तो सेक्शन एट के हिसाब से उसके पास तीन साल ही बचते हैं लेकिन हमारे आर्टिकल 65 कॉलम थ्री में क्या लिखा हुआ था कि बारह साल का टाइम पीरियड है कॉज ऑफ एक्शन जब से अराइज हुआ है तो अब उस माइनर के पास जो सोलह साल का था जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था तो अब उसके पास वो 12 साल का टाइम होगा मतलब कि 18 साल का हो गया तब उसके पास 10 साल और हैं वो 10 साल के अंदर केस कर सकता है इन अदर वर्ड्स बेनिफिट ऑफ सेक्शन सिक्स इज अवेलेबल टू हिम कि जब उसकी माइनॉरिटी खत्म हुई है तब उसके पास जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से जो टाइम है वो उसे मिलेगा उसका सारा टाइम बचा हुआ है ठीक है अब उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है इसमें यह क्या कहता है इसमें यह कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कब जब माइनर कितने साल का था चार साल का था और उसी तरह से आर्टिकल सिक्सटी फाइव कॉलम थ्री कितना टाइम पीरियड देता है उसको बारह साल का लेकिन अब चार साल का वो माइनर था बारह साल का उसे टाइम पीरियड मिला जब वो सोलह साल का होगा तब भी वो, वो माइनर ही है ठीक है मतलब हमने पूरा टाइम पीरियड उसका जोड़ भी लिया ट्वेल्व ईयर जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड था उसे मिला कॉज ऑफ एक्शन उसका अराइज हुआ जब वो चार साल का था टाइम पीरियड मिल गया उसे जब वो 12 साल का जो टाइम पीरियड था वो उसे मिल गया लेकिन जब उसमें प्लस किया तब भी उसका क्या टाइम पीरियड रहा 16 साल ही रहा तो अब सेक्शन 8 क्या कहता है कि जब डिसेबिलिटी खत्म होती है तब आपके पास कितना टाइम होता है थ्री इयर्स ठीक है ना तो अब जो थ्री इयर्स था उसे थ्री इयर्स मिलेगा एक उसको अपना फाइल करने के लिए सूट जो है उसको 3 इयर्स मिलेगा मतलब जब वो अठारह साल का हो जाएगा एटीन ईयर्स का हो जाएगा तब उसे थ्री ईयर्स का टाइम मिलेगा ना कि ट्वेल्व ईयर्स का टाइम वो जो ट्वेल्व ईयर्स का टाइम था वो उसका एग्जॉस्ट हो गया चार साल से सोलह साल का होने में वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया अब इसका मतलब आपको समझ में आया कि सेक्शन एट ने बेसिकली सेक्शन सिक्स और सेवन को कंट्रोल कर लिया ये नहीं है कि किसी के पास अनलिमिटेड टाइम पीरियड हो जाता है जितना जायज है उतना ही टाइम पीरियड मिलेगा तो एस वाले केस में क्या हुआ जैसे वो चार साल का था बारह साल ऐड हुए तो वो सोलह साल का बना तो उसके हिसाब से दो साल और मतलब जब वो मेजर हुआ अठारह साल का तो तीन साल उसे सेक्शन एट के बदौलत मिल गए पिछले वाले केस में क्या हुआ था हमने देखा था कि वो सोलह साल का था और उसे बारह साल मिल गए अठारह साल होने के बाद उसे अठारह साल का होने के बाद उसे दस साल और मिल गए क्योंकि ये हमारे लॉ में था इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे कहाँ पर सेक्शन एट जो है वो एप्लीकेबल होता है और कहाँ पर सेक्शन सिक्स और सेवन लग जाते हैं यहाँ पर यह था कि डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तो इस वजह से मिला था हम किसी का बेनिफिट छीन नहीं सकते हैं एज पर लॉ बल्कि हम उसे बेनिफिट दे सकते हैं हमारी इंटेंशन ज्यादातर लॉ में बेनिफिट देने की होती है लेने की नहीं

अब वो ठीक हो गया वो सेन हो चुका है और उसके पास अगर तीन साल का टाइम था ढाई साल बाद मान लो वो फिर से इनसेन हो जाता है तो एक बारी अगर ये शुरू हो चुकी होती है तो वो चीज आपकी कंटिन्यू रहती है कोई भी चीज उसे दोबारा से खत्म नहीं कर सकता मतलब एक बारी अगर कंटिन्यूस रनिंग टाइम वन वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इन उस सूट को अप्लाई करने पर रोक सकती है अब ये डिसेबिलिटी क्या मतलब होता है लीगल क्वालिफिकेशन वॉन्ट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन ठीक है जैसे माइनॉरिटी इडियोसी जो हमने ऊपर पढ़ा था और इनेबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास फिजिकल पावर नहीं है एक्ट करने के लिए ठीक तो है ये डिसेबिलिटी तो लीगल डिसेबिलिटी जो सेक्शन सिक्स और सेक्शन सेवन बताते हैं इनेबिलिटी मतलब पावर नहीं है आपके पास फिजिकल पावर नहीं होती है अब आपने देखा कि एक पर्सन अगर इनसेन था और वो ढाई साल बाद उसका पास टाइम था एक केस फाइल करने के लिए तीन साल का उसने ढाई साल तक किया नहीं और वो फिर से इंसेन हो गया मतलब फिर से डिसेबल हो गया लेकिन अब जो है उसका एक टाइम पीरियड शुरू हो गया था रन करना इसलिए अब कोई भी चीज उस टाइम पीरियड को रोक नहीं सकती और पूरा तीन साल होने के बाद उसके पास वो राइट खत्म हो जाएगा फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा अब इसमें प्रोवाइजो है प्रोवाइजो में ये जो वर्ड है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को अथॉरिटी दे देते हैं टू एडमिनिस्टर द ऑफ हु हैज डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, ठीक है? अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है उसने मर गया है तो उसका अगर एस्टेट हम किसी को दे देते हैं क्योंकि जो मरा था जिसका एस्टेट है वो बिना विल के मरा था इसमें क्या है द लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज डेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अजीब सा लग रहा होगा कि क्रेडिटर का स्टेट जो है हैव बीन ग्रांटेड टू टू हिज डेटर तो द द रनिंग ऑफ ऑफ पीरियड लिमिटेशन फॉर अ सूट रिकवर डेट शैल बी सस्पेंडेड इसमें बेसिकली ये कहता है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब एक क्रेडिटर का डेटर को दिया जाता है तो उस ड्यूरेशन में जब वो एडमिनिस्ट्रेशन डेटर को दिया गया तब वो टाइम पीरियड को रोक दिया जाएगा सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है जो कहता है कि टाइम पीरियड रोक दिया गया है इसमें बेसिकली क्या होता है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये जो आपका क्रेडिटर है ये है तभी आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनता है जब उस पर्सन की डेथ हो चुकी है मतलब एक debt, dead creditor का estate जो था वो debtor को दे दिया इसका मतलब डेटर जो है उसको ही पैसा कमाना है और उसी को पैसा भरना है तो इस वाले केस में जब एक ही पर्सन बन जाता है जिसको पे भी करना है और रिसीव भी करना है सेम हैंड्स केसेस में जो रनिंग ऑफ टाइम है वो सस्पेंड हो जाता है ठीक है ये आपका जो क्रेडिटर है डिसीज है ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है जो कि दी हुई है नहीं तो क्या है कि अगर एक बार टाइम कंटिन्यू हो गया रन करना तो उसके बाद कोई भी डिसेबिलिटी उसे रोक नहीं सकती थैंक यू गाइज आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं थैंक यू